अपनी फिल्मों से हमेशा सबको डराते हुए आ रहे हैं और अब एक और नया एनिमी लेके आ गए हैं सबको डराने के लिए, विक्रम भट्ट साहब हमारे साथ हैं और हॉरर के बादशाह कहेंगे इन्हें। एक्चुअली मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं हॉरर का बादशाह हो गया, मगर एक्चुअली अगर आप गौर से देखें मेरी फिल्मों को तो एक्चुअली लव स्टोरीज हैं जिसमें विलन जो है वो हॉरर है, लेकिन बदकिस्मती से वो कोई लव स्टोरीज गिनता नहीं, वो हॉरर गिनते हैं। और यही कारण है कि जब मैंने बॉस को कहा कि आप मेरे लिए लिखिए, तो उन्होंने कहा देखो विक्रम, तुमने जो है ना हॉरर फिल्म में बहुत लव स्टोरी डाली है, अभी लव स्टोरी में हॉरर डालो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा हमको राज नहीं बनानी, हमको वो सारी पिक्चर नहीं बनानी जिनका टाइटल जो है वो भूतिया हो, हमको बनानी है जुदा होके भी एक लव स्टोरी है जिसमें हॉरर एलिमेंट है लेकिन है लव स्टोरी, एक हस्बैंड वाइफ की लव स्टोरी। मैंने कहा बॉस मैं तो बनाता ही वो हूँ। तो वैसे देखे तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और जुदा होके भी जो मैंने पिक्चर बनाई है वो एक तोहफा है जो मैं अपने गुरु को देना चाहता हूँ। और जैसे कि टाइटल ट्रैक टाइटल जो दिया है जुदा होके भी, तो मुझ में कई बाकी है, ये जो बाकी जो है वही जो है सबको डरा रहा जो है, तो वो जो है मिर्ज़ा ने प्ले किया है। तो और हमें जो अभी ये खुलासा जो हुआ है, मेरे सामने ये हुआ है, जो वॉइस जो है वो आपने ही दिया है उनका, तो ये जो कहानी है वो थोड़ी बताए कि मतलब इमरान हाशमी से लेकर तो मिर्ज़ा तक। मैं बनना नहीं चाह रहा था वॉइस आर्टिस्ट, लेकिन पता नहीं कैसे एक से एक कड़ी जुड़ती गई और मैं वॉइस आर्टिस्ट बन गया। लेकिन ये एक्चुअली शुरुआत हुई कसूर से, जब आफ्ताब का वॉइस दिया, फिर डीनो का राज में, फिर इमरान हाशमी का फुटपाथ में, फिर दौर चलता रहा। लेकिन मिर्ज़ान जो है एक्चुअली बहुत अच्छा एक्टर है और उसकी आवाज़ जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे डब करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वो जो कैरेक्टर है वो एक थोड़ा अलग सा कैरेक्टर है। और अगर मैं इसका खुलासा करने जाऊं तो मुझे फिल्म की कहानी रिवील करनी पड़ेगी और वो मैं कर नहीं सकता क्योंकि जो सस्पेंस है वो आप फिर इंजॉय नहीं करेंगे। लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि मैंने आवाज़ दी है मिर्ज़ान को, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि वो अच्छे एक्टर नहीं है या हिंदी बोल नहीं सकते। कभी कभी हम वॉइस इसलिए देते हैं कि हिंदी बोल नहीं सकते, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार ये है कि इस एक संजीदगी की ज़रूरत थी जो कि एक मेरे जैसे 50 साल के आदमी की आवाज़ में होती है, जो आप चाहें तो भी 25-26 साल के एक्टर में नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी आवाज़ का शगुन हर पिक्चर में होता है आपकी? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग मुझे चिढ़ाते भी हैं कि अरे यार मैं अच्छा एक्टर हूँ और मैं खुद की डबिंग भी कर लेता हूँ, तो ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप कास्ट कर लेते हैं लेकिन आपको लगता है कि इस एक्टर ने जो एक्टिंग की है अगर उसकी आवाज़ थोड़ी चेंज हो जाए तो उसकी एक्टिंग को 4 चांद लग सकते हैं, तो आप इसलिए करते हैं। और सच पूछिए तो आज के दौर में बहुत से एक्टर ऐसे भी हैं जो हमारी जो भाषा है वो ठीक से बोलते नहीं, और वो सुनकर मुझे ना बहुत कोफ्त होती है क्योंकि आपके नुक्ते बराबर नहीं है आपकी, क्योंकि हम पिक्चरें जो हैं वो हिंदुस्तानी में बनाते हैं, उर्दू के लफ्ज़ भी होते हैं, हिंदी भी होता है, कभी हम एक ही लाइन में बोलते हैं खामोश चुप रहो, खामोश भी बोलते हैं, चुप रहो भी बोलते हैं, लेकिन अगर आप गम के बजाय गम बोलते हैं तो मुझे फिर बहुत परेशानी होती है, तो फिर मैं वो करेक्ट करने जाता हूँ। तो इस पीढ़ी से मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर आपको हिंदी फिल्म के एक्टर बनना है तो आप हिंदी बोलना सीखिए थोड़ा बहुत। हिंदी में इंटरव्यू नहीं दे पाते आप तो जानती हैं,
बीच बीच में इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं, यू नो नो बट आई वांट टू डू दिस एंड आई वांट, अरे बाबा ये अगर आप हिंदुस्तानी ऑडियंस के दिल को छूना चाह रहे हैं तो आप हिंदी तो बोलिए पहले। और फर्स्ट वर्चुअल फिल्म ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगी है, तो कैसा रहा इसका पूरा ओवरऑल शूटिंग प्रोसेस? बहुत ही मुश्किल जर्नी रही है जुदा होके भी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी मैंने इस फिल्म में यूज़ की है उसके या उसमें विश्वास रखने वाले, उसको मानने वाले लोग कोई नहीं थे, सिर्फ मैं अकेला था और मेरे बॉस महेश भट्ट पीछे से कह रहे थे बेटा जो दिल में आए वही करना। लेकिन मेरे पार्टनर्स, मेरे फाइनेंसर्स, मेरे फंडर्स, सबको लग रहा था कि मैं वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, काम ठीक से नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक दुनिया बनाना चाह रहा था इस टेक्नोलॉजी के साथ, वर्चुअल वर्ल्ड के साथ, जो मुझे पता है कि असलियत में नहीं हो सकता। उसके लिए कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए एक जैसे कहते हैं एक काल्पनिक जगह है, तो वो काल्पनिक जगह तो अपने दिमाग में होगी, वो असलियत में तो होगी नहीं। तो जीत ये है कि मैं वो काल्पनिक जगह बना पाया, उसे पर्दे पे ले आया, तो कहीं देखिए हिट होती है ना, उसके मायने अलग अलग होते हैं। कभी कभी आप एवरेस्ट चढ़ जाते हैं और कोई देखता नहीं आपको चढ़े हुए, इसका ये मतलब नहीं कि आप नहीं चढ़े, आप एवरेस्ट चढ़े। तो मैंने ये ऊंचाई बहुत मुश्किल से पहुंच गया। अभी दुनिया ये देखती है, समझती है या नहीं देखती है, नहीं समझती, मैं चाहूँगा समझे, लेकिन मेरे लिए तो ये बनने से पहले हिट हो गई है। और एक फैक्टर जो एक्स फैक्टर ऑफ द फिल्म्स होता है इनका, जो है गाने, म्यूजिक, फिर एक बार छा गए जुदा होके भी। इस बार एक नया म्यूजिक डायरेक्टर है पुनीत दीक्षित। तो एक्चुअली पुनीत दीक्षित जो हैं वो जो भट्ट साहब के साथ काम करती हैं श्रीता जी, वो भी राइटर हैं, उनके मित्र हैं पुनीत जी। तो मेरी कैबिन एक साइड है और बॉस की कैबिन दूसरी साइड है और बीच में एक कांच की दीवार है। तो मैं अपना काम किया जा रहा था और ये कमाल की धुन सुन रहा था मैं, उसके बाद एक और धुन सुन रहा था, तो हल्के से मैंने पूछा कि ये है कौन। तो उन्होंने कहा कि ये पुनीत दीक्षित जी हैं, नया गाना, नए गाने ले आए हैं। तो मैंने कहा मुझे ये चाहिए, और वाकई उनके संगीत में कुछ अलग बात है और बहुत ही शिद्दत से काम करते हैं, बहुत ही शिद्दत से, और वो शिद्दत कहीं उनके म्यूजिक में भी सुनाई देती। एक्टर्स के लिए क्या कहेंगे बाकी अक्षय, मेहरजान, एनिवर? पहले तो मैं ये सारे एक्टरों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये वर्चुअल वर्ल्ड में जब पिक्चर बनती है तो बेचारों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। ऐसे ही पूरी तरह उन्होंने मेरा विश्वास किया, जैसा मैंने कहा वैसा किया, और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि सबसे अहम बात किसी भी डायरेक्टर के लिए ये होती है कि उसके जो भी कलाकार हैं वो उस पर एतबार करे, उस पर यकीन करे, उसके विजन को समझे, और ना समझे तो भी फॉलो करे। तो ये तीनों एक्टरों ने ये किया, और मैं कहूँगा जितना भी दे सकते थे उन्होंने दिया है मुझे, तो इससे बेटर कास्ट मुझे मिल नहीं सकती थी। ज्यादा ज्यादा क्या कहना चाहेंगे बस अब सिनेमा घरों में? तो जुदा होके भी जो है वो जनरली मैं ये कहता नहीं हूँ, लेकिन इस बार कहना चाहूंगा कि जुदा होके भी बहुत ही अच्छी पिक्चर, और ये मेरी शायद बेस्ट पिक्चर। और मैं ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि अगर वो नहीं देखे ये फिल्म तो ये उनकी बदकिस्मती है, क्योंकि हमेशा डायरेक्टर क्या कहते हैं कि
अच्छी है अभी पता नहीं, ऊपर वाला या ऑडियंस देखेगी, लेकिन इस बार मैं कहना चाहूंगा कि ये वाकई अच्छी पिक्चर है और उनको देखनी चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर।